हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम करने वाले हैं फील मैक्स का ग्रैंड रेसिंग व्हील ड्राइविंग फोर्स का अनबॉक्सिंग। और आगे मेरा कजिन बोलेगा, मेरा नाम नजाद है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अजीन। आज हम करने वाले हैं फील मैक्स कंपनी का ग्रैंड रेसिंग व्हील ड्राइविंग फोर्स का अनबॉक्सिंग। बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, यार हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ठीक है, देख लो फर्स्ट लुक इसका। ड्राइविंग फोर्स का स्टेयरिंग व्हील से और ओके ओके गाइस। और ये है स्टेयरिंग व्हील और इसके फीचर्स हमारा बाय बोलेगा। और ये हमने अनबॉक्सिंग एक बार कर लिया था क्योंकि हमसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अनबॉक्सिंग कर ली और बस 15 डेज कुछ हुआ था। और इसके फीचर्स के बारे में मेरा कज़िन अजीन बोलेगा। उस वक्त हमने यूट्यूब चैनल का सब प्लान नहीं था, इसलिए हमने सोचा नहीं और हम अनबॉक्सिंग कर लिए। ओके गाइस, अब मैं बात करूँगा इसके फ्यूचर के बारे में। अजीन, ये सेंसिटिव है, माइनस करने के होता है, प्लस करने को होता है, वो गेयर शिफ्टर है, ऑटोमेटिक है गाइस। उसके बाद ये वेपन शूट करने के लिए है, वो रीलोड करने के लिए है, ये गन्स चेंज करने के लिए है, ये क्राउच है। उसके बाद ये कार हंटर करने के लिए है, वो स्कोप करने के लिए। उसके बाद ये हॉर्न है गाइस। उसके बाद वॉक कंट्रोल है गाइस। उसके बाद आपको पैडल नहीं चाहिए तो ये एक्सेलरेटर है, वो ब्रेक है। ओके गाइस, उसके फीचर भी होगा। अब हम उसका एक्सेलरेटर, ब्रेक, पैडल अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये इसका पैडल है और इसका कनेक्टर थोड़ा सा अलग है। देखो इसका कनेक्टर कुछ इस ऐसा है इसका कनेक्टर। और इसके अंदर और कुछ चीज़ें हैं जैसे ये और मैनुअल और ब्ला ब्ला ब्ला। और इसका डिस्क है, इसके बिना ये नहीं चल सकता। और ये उसका थोड़ा सा पार्ट्स और ये कुछ इसका स्क्रू और ये बॉक्स का थंब है। इस मैनुअल सीडी के बारे में और इसे कैसे फिट करते हैं ये मेरा कज़िन अजीन बोलेगा। ओके गाइस, वो इसका एक्सेलेटर है वाइल और ब्रेक है। उसके बाद ये इसका कनेक्टर है, कनेक्टर वो इधर कनेक्ट करने के लिए इस तरह इसके ये है ना, ये पुश करके इस तरह डालने के लिए। उसके बाद ये सीडी प्लेयर है, डिस्क इसका, वो स्क्रू किस तरह फिट करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके गाइस, अब मैं ये स्क्रू और ये है ना कैसे फिट करता है बताऊंगा। ये स्टीयरिंग व्हील है ना, इसके पीछे इस तरह है, इस तरह डाल के स्क्रू है ना, वो इस तरह डाल के फुल टाइट करिए। टाइट करके इसका टाइट करेक्ट नहीं हुआ, इस तरह घूम के इस तरह। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा टेबल पे किस तरह फिट करूंगा। ये है ना किस तरह टेबल पर फिट करते हैं आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये है ना इस तरह आपको यूज करने को इस तरह घूमे, टाइट करने तो इस तरह घूमे। ओके गाइस, हमारा फिट होता है। अब आपको मैं पैडल
दिखाऊंगा। पैडल सीडी पर या मानो एक्सेलेटर ब्रेक पैडल है इस इधर इधर कनेक्ट करते हैं, इधर कनेक्ट करते हैं ये पुश करकर, उसके बाद और टिक साउंड आता है और साउंड आया तो करंट फिट हुआ। ये हमें पता नहीं है ये क्या चीज़ है और ये कुछ पता नहीं, आपको पता है तो कमेंट करके बताना, और हमें ये पता नहीं है इसलिए हम इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं थोड़ी इसलिए। इसका मैनुअल है और ये चीज़ इस चीज़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा था इसलिए हमें पता नहीं ये क्या है और ये कुछ है। अब हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिस जिसको पता है वो बता सकते हैं। और इसमें मोस्टली अरब में चाइनीज़ में लिखा है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा है पर मोस्ट अरब में चाइनीज़ में लिखा है। हम अगर मैनुअल पढ़ सकते थे तो हमें पता चलता क्योंकि ये पूरा अरब में लिखा है। अगर कोई अब में से कोई इसे ट्रांसलेट कर सकता है तो कमेंट करना नीचे ट्रांसलेट करके, ये हमें पता नहीं चल रहा क्या है चीज़ अरब में लिखा है पूरा पीछे आगे सब कुछ, क्योंकि ये दुबई से आया था इसलिए सब अरब में लिखा है, वरना इंग्लिश में लिखा होता तो हम पढ़ सकते थे। बस एक दो चार पेज का है बस, पर अरब में हमने तो नहीं आता इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। ये इसका सीडी प्लेयर है और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं अब मेरा कज़िन बताएगा इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके गाइस, गाइस डिस्क डालने का है ना, ओपन करिए करके इस तरह रखिए रखिए, क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद है ना ये इधर डालिए डाल के बाद माय कंप्यूटर जाइए, जाके डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव में क्लिक करिए, क्लिक करके बाद FM 610 सेटअप में क्लिक करिए, क्लिक करके बाद एस क्लिक करिए, क्लिक करके बाद उसके बाद नेक्स्ट दबाइए, दबा के फिनिश करिए। गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें खेलते हुए कैसे है डिवाइस। ओके गाइस, गाइस खेलते हुए ग्रैंड रेसिंग व्हील ड्राइविंग फोर्स स्मूथ है गाइस, बहुत स्मूथ है। ये इसका सेंसिटिविटी है, ये मैक्स में अच्छे लगते हैं गाइस, माइनस में वो अच्छे नहीं लगते मुझे, आपको मुझे नहीं पता। वो बेटे हुआ इसका हॉर्न है गाइस, हॉर्न ये इसका पेडल है गाइस, पेडल पेडल स्मूथ है गाइस, बहुत स्मूथ है। रियल कार में ड्राइंग जैसा होते है गाइस करते। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।